हाय वेलकम टू द गौरा शो हम फिर से आए हैं एक नए गेस्ट के साथ अनदर गेस्ट विदिक सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस और आपको इनकी कहानी सुनने में मजा आएगा इसमें थोड़ा सा तड़का क्राइम का है थोड़ा सा तड़का यूनियन का है और थोड़ा सा तड़का इंडियन नेवी का है ये जबरदस्त कहानी और कहानी है लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर की लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए और हमारी शो में आने के लिए वेरी वॉम वेलकम थैंक यू सर आपको नहीं पता है कि मैं कितना बड़ा फैन हूँ सर पहले तो आपका एंड uh, जैसे बोलते हैं ना सर एक बड़ा सा वो वो एक दिन होगा आज मेरे लिए जो मेरे लाइफ हिस्ट्री में होगा कि मैंने आज गौरव आर्या सर से मिलाज सर इंटरव्यूड मी लास्ट टाइम इंटरव्यू ठीक है जब मैंने आपका इंटरव्यू किया आई वाज ऑलवेज इन अ गूज बम्स बट वेरी वेरी काइंड ऑफ यू टू से यू आर सो रिवर्ड इन अमंगस्ट अस थैंक यू थैंक यू वेरी मच अच्छा एक बात बताइए ना uh, ये आपकी स्टोरी जो है फैमिली बैकग्राउंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड नोबडी वुड कनेक्टेड टू यू नो Somebody becoming an officer in the indian navy बिल्कुल जिसको कहते हैं ना पोल्स अपार्ट बॉम्बे के रहने वाले आप हाँ? हाँ सर एकदम पक्का हार्ड कोर मुंबई अच्छा मेरे शायद हिंदी में भी वो आएगा जैसे मैं बात करता हूँ हाँ. सो so, मेरा जन्म मुंबई में हुआ था सर एक सबब है भांडुप एंड यू नो आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड से हूँ सर लाइक फादर वाज अ टैक्सी ड्राइवर अर्लियर वैन ही स्टार्टेड इज करियर फिर एक नौकरी मिली फिर वहाँ पर टिपिकल मलयाली सर वो ब्लड में कम्युनिज्म एंड देन अपना ही चाहते थे एक एक और था उनका तो यूनियन लीडर बन गए वहाँ के एंड देन मेरे जो चाचा हैं सर तो हम जो मेरे घर था दैट वॉज डेढ़ सौ स्क्वायर फीट का घर था डेढ़ सौ स्क्वायर फीट मतलब अभी जहाँ हम बैठे थे सर वो मेरा घर था करीब उम्र के बाईस साल तक टीला ज्वाइंट नेवी तो मेरे चाचा बहुत अच्छे वेरी क्लोज टू अस बट वो गैंगस्टर थे सर भाई भाई सर बॉम्बे के प्रॉपर भाई प्रॉपर भाई सर इज अग वॉज अ बिग नेम एंड फिर उनका एनकाउंटर हुआ तो हम लोग वो और में जिए सर मुझे पहला हम तीन भाई हैं तो मेरा पहला ये था करियर ऑप्शन वाज टू बी अ गैंगस्टर क्योंकि वो और बंदूक एंड जो ठाट वाट होता है सर एक भाइयों का जब बॉम्बे के भाई नाइन्टीज के अच्छा आप जानते हो मतलब दैट और मैंने फिल्मों में देखा आपने है अपने फिल्मों में तो सर घर पे देखा है अच्छा तो हमारे घर पे एक ऐसे सेक्शन होता था जहाँ सलिया हॉकी और वो ना कट्टा वगैरह होता था बट लीगली uh, नहीं तो सीन दैट और तो मुझे हमेशा था पूरा टशन में रहना है बंदूकों से प्यार था बट मम्मी बहुत कहते हैं भाई बनने का भाई बनने का भाई, भाई एकदम आज भी आज भी यू नो पीपल रिकोगनाइज कि उनके उनके भतीजे हैं टाइप्स तो वो आज भी है सर आज यूज़ नहीं करते आज तो फौजी हो गए <laughs> तो दैट वॉज दी और सर बट मम्मी ने बहुत रोल प्ले किया उनको पता था कि ये सब बिगड़ जाएंगे तीन लड़के हम तो मम्मी ने हमेशा हमें शील्ड करके रखा कि इंसान बनो करके यू नो नॉट लाइक बिकम अ गुड ह्यूमन बींग मारो पीटो ठोको किसी को टाइप बट उनकी भी मजबूरी थी व्हेन ही बिकेम अ गैंगस्टर ही केम टू वर्क इन मुंबई टिपिकल फिल्म सर किसी ने कॉर्नर कर दिया किसी ने मारा एंड देन ही ऑल्सो बिकेम लाइक दैट बट ठीक है में,

डॉकयार्ड जिसको बोलते हैं वहाँ के जो जो काम करते हैं वर्कर्स सुपरवाइजर्स वो वहाँ रहते थे तो हम उसको लग के स्लम्स में रहते थे पीछे तो हमारा संडे का एक्टिविटी ये होता था कि अंदर कैसे जाए ट्रेस पास करके बिकॉज उनके पास ग्राउंड टिपिकल कैंटोनमेंट बड़ा सा ग्राउंड बॉम्बे में तो इतने छोटे छोटे जगह और हमें उनसे ना बहुत जलन होती थी कि साले इनके पास साला ग्राउंड कैसे है करके है ना सो so वी हम लोग ना ट्रेस पास करके अंदर से जाते थे वी न्यू कि, कि किसको कैसे कहाँ से ये सेंस ऑफ स्पेस स्पेस वो मुंबई में नहीं है मुंबई में नहीं है सर हाँ। और जब हम अंदर जाते हैं तो ऐसे लगता है सला ये तो एक अलग ही दुनिया है यहाँ पर ग्राउंड है हॉस्पिटल है लोग थार्ड वार्ड में रहते हैं फिर हम क्रिकेट खेलने जाते थे तो करीब पंद्रह बीस टाइम में दो बार पकड़े जाते थे पकड़े जाते तो प्रॉपर टाइप रगड़ा होती थी अंदर वो लोग जो नेवल प्रवोज थे वो थे वो लोग रगड़ा देते थे एक बार ऐसे हुआ था रोलिंग।, रोलिंग रोलिंग लेकिन एटीट्यूड एकदम वैसे रहा हमेशा सर कि आ, बीस में अठारह बार तो खेल पाते हैं दो बार पकड़े गए तो क्या करके सो दैट वॉज द एटीट्यूड ऑलवेज आज तक वैसे ही है सर एंड एक बार ऐसे हुआ सर जब पकड़े गए तो एक नेवल जिप्सी से एक बंदा उतरा सर बंदा उतरा टिपिकल फिल्म जैसे पहले जूते बाहर आता है फिर उसका वाइट जूते वाईट जो, का फोकस है, जो फोकस फोकस <laughs> वाइट फिर वाइट उसके ये देन बेल्ट बक्ल यहाँ एप्यूलेट एंड सम रिबन्स और लेफ्टनेंट प्रोवोस्ट लेफ्टनेंट कैप ये गॉगल एंड एक डंडा हाथ में प्रोवोस्ट वाला एंड आई वॉज लाइक माकम सलाइफ है सो so ये ये एक बड़ा दिस वॉज द फर्स्ट टाइम फेर आई एम सींग समन सो क्लोज एंड मुझे लगा सर ये होना चाहिए करके लाइफ में एंड इंसिडेंटली आपको याद होगा सर दो डेज एक सीरियल चलती थी फौजी शाहरुख शाहरुख उसने बहुत इन्फ्लुएंस किया लाइफ में फिर आया कि अच्छा फौजी नेवी आर्मी ये सब सेम ही होते हैं करके तो पहला इंक्लिनेशन वॉज फौजी ग्रीन ऑलिव कैमोफला बट ये इंसिडेंट के बाद इट वॉज ऑलवेज नेवी सर

आप पच्चीस घर के इसके यू हैव वन टॉयलेट एंड थिंग्स लाइक दैट तीन चार सो वी ऑलवेज़ वॉन्टेड लाइफ में जिंदगी में और बहुत चाह नहीं थी सर कभी ये था कि ना यहाँ से उठ के एक ऐसा घर हो जिसमें एक बाथरूम और टॉयलेट हो दैट वॉज दी ओनली एम्बिशन सो दैट यू नो टू गिव अस टू गिव अर मदर and she was whatever I am today. She's what uh, yeah, of course she made. बिल्कुल. And of course my girlfriend who's now my wife. अच्छा अच्छा. So, so वो वो एक ये था sir. अच्छा तो navy फिर कैसे? किसने किसने idea देके यार navy? तो sir मैं हमेशा एक super power में believe करता हूँ sir. भगवान में भरोसा बहुत रखता हूँ. फैनेटिक नहीं हूँ बट एक है कि सुपर पावर है सो आई ऑलवेज बिलीव एक प्रेजेंस उनका हमेशा रहता है तो जब ये ये सारी इंसिडेंट हुई तो आ, फिर पहला क्वेस्ट ये था कि जाएं कहाँ कैसे जाएं करके तो मेरे स्कूल के दो फ्रेंड्स थे उसमें एक लड़के ने कहा कि मेरा जो चाचा है वो शायद नेवी में शायद नेवी में उसको पता भी नहीं था सफ़ेद कपड़ा पहनता है करके हाँ। वो अभी छुट्टी पे आएंगे एंड हम चलते हैं मिलने तो हमने स्कूल वगैरह बंक की सर और उस जमाने में आपको पता होगा आज तो मेरी डॉटर बोलते अरे बंक एंड ऑल स्कूल तभी हमारे जमाने में बंग करके पकड़े गए तो धो दिए तेरे बिल्कुल हम बंग करके गए उनसे मिलने एंड सर जैसे मैंने कहा कि भगवान का एक प्रेजेंस होता है ही टर्न आउट टू बी ए नेवल ऑफिसर प्रॉपर टाइप कमांडर अ सीनियर गाय दैट टू फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेस टाइप्स उन्होंने बताया कि अगर आपको नेवी या आर्मी या एयरफोर्स ज्वाइन करना तो आपको एक एनडीए नाम का एक एग्जाम होता है

एकदम छोटा सा स्कूल जहाँ अगर आपने इंग्लिश बोल दिया तो पीछे बैठ के ताली बजा से और ऐसा साल अंग्रेजी बोलता है करके यू नो दो इट वाज ए इंग्लिश मीडियम स्कूल तो इतना डिजास्टर <laughs> था एक छोटा सा इंसिडेंट है एवन आई वेंट टू लेवेंथ स्टैंडर्ड तो ये स्कूल से हम एक बड़े कॉलेज uh, में गए जूनियर कॉलेज गुड आई हैड आई वाज अ डिसेंट स्टूडेंट तो वहाँ ये रोज डे uh, ये सब होता है सर तो जहाँ लड़कियों को फूल देते हैं एंड ऑल तो नाउ माई ब्रदर इन लॉ इज़ अ गुड फ्रेंड तो वी ऑल वे क्लासमेट्स तो किसी ने बोला कि वो लड़की को जाके रोज दे दो और यू नो डिस तुम भी डिसेंट दिखते हो वो बहुत प्यारी लगती है दे दो तो मैं फूल लेकर उसके पास गया और मैंने उसको बोला यू लुक हैंडसम करके <laughs> <laughs> उसने वो फूल से वहीं मारा टू पिट सो दैट वॉज माई इंग्लिश यू नो एंड देन जब ये पता चला कि एन डी ए वगैरह है फर्स्ट थिंग हो कि कैसे होगा करके ये सब यू नो यू हैव अ टिपिकल ये कि ये सब फौजी के बच्चों के लिए बना हुआ है हमारे लिए कुछ भी नहीं है करके एंड दैट वॉज दी फर्स्ट टाइम आई केम टू नो फिर एग्जाम लिखा सर डिसेंट स्टूडेंट थे आई क्लियर दी एग्जाम आई वेंट टू एस एस बी जब एस एस बी में पहुँचा तो पूरा माहौल अलग एंड इतनी इन्फीरियरिटी हुई सर कि सला एक जोड़ा कपड़े लेके गए और यहाँ तो पीपल आ वि कार फैंड यू नो जो बच्चे आते हैं बट uh, बोला क्या एट्टीट्यूड है सर वही भाई वाला एटीट्यूड है देखते हैं होता क्या कर सो आई गेव सर कैसे टूटा फूटा इंग्लिश मै आई कुड मैनेज दैट मच एंड I आई hmm. uh, selected सेलेक्टेड इन दैट एस एस बी में शॉर्ट लिस्ट हुआ बट वो सपनों का टूटना होता है ना सर इट वॉज अ शॉर्ट लीव ड्रीम फॉर फाइव डेज ऑन द फिफ्थ डे आई वॉज मेडिकली आउट सर आँख के लिए अच्छा अच्छा बैक एवरीथिंग को लैप्स फॉर मी दैट्स वो जर्नी वही खत्म हो गई एंड फादर वॉज वेरी अपसेट बिकॉज उनके लिए वो नौकरी थी सर मेरे लिए वो जज्बा था फॉर हिम इट वॉज़ अ जॉब कि एक लड़का सही हो जाएगा फ्री में सब कुछ हो जाएगा इसका करके एंड ही वॉज वेरी अनॉइड देन ही सेट कुछ नहीं अब सला ग्रेजुएशन करो नौकरी मैं लगा के दूंगा मेरे का ही वॉज यूनियन लीडर एंड थिंग्स लाइक दैट फिर मैंने इंजीनियरिंग की सर तो मेरा इंजीनियरिंग भी जो था कि यू नो फेंशली वी कुड नॉट मैनेज सो आई स्टडीड विद द हेल्प ऑफ एन एन जी ओ एंड अ ट्रस्ट एंड आई वेंट फॉर फोर ईयर्स इंजीनियरिंग पहला दो साल डिजास्टर था सर बहुत सब्जेक्ट में फेल हुए क्योंकि मन कहीं और था एनडीए में, में मेरे कोर्समेट्स थे सारे जो भी पास हुए थे सो फर्स्ट सेमेस्टर आई गॉट आर्ट पेपर में से पाँच में फेल हुए सेकेंड सेमेस्टर सेम थिंग फिर ऐसे डिज़ास्टर चलता रहा बॉम्बे यूनिवर्सिटी एक खास बात है सर वो आपको पीछे रहने नहीं देंगे बोले साला जितना भी पेपर है लेके चलो आगे करके सो दैट वाज द ब्यूटी एंड देन थर्ड ईयर आई सॉ दिस नोटिस सर शॉर्ट सर्विस टेक का हमारे कॉलेज में लगाया था फिर फिर से वो गोल्ड मिल गया सर बोले एक बार और ट्राई करते और ये बार नेवी का था प्रॉपर टाइप एंड देन दी जर्नी स्टार्टेड ओनली रिक्वायरमेंट हो चार सेमेस्टर में आपको फर्स्ट क्लास चाहिए था लास्ट का आई वॉज लाइक पहला चार सेमेस्टर में तो लग गई हमारी अब ये चार देखते हैं करके एंड देन इवेंचुअली आई कुड चारों सेमेस्टर में फर्स्ट तो क्लास बूस्टर चीज होता है बूस्टर होता है सर लाइफ में ने, ने. नेवी का पोस्टर देख लिया बोला आ, यार बूस्टर देख यस आई आई हैव टू रीच देयर एंड टॉप द कॉलेज इन द लास्ट सेमेस्टर एस मैंने एसएसबी दी सर और फिर एसएसबी क्लियर मेडिकली सेम इशू आया बट इट वाज अ वेरी माइनर इशू आज भी सर मैं चश्मे नहीं पहनता हूं एंड देन लकीली इट वाज एन एयरफोर्स ऑफिसर हु वाज अ मेडिकल ऑफिसर पहले वाला आर्मी वाला था तो इसलिए वो खंदक कभी-कभी होती है <laughs> आर्मी वालों को वालो वाला सॉरी टू यू दैट नहीं नहीं कोई बात बट दैट्स हाउ द सर इसलिए भगवान है सर है ना दैट जर्नी फ्रॉम चॉल टू

<laughs> मैं अभी नहीं but I was like, ये knowledge है लोगों का करके I mean, I don't blame anybody किसी को yeah, yeah. So, uh, जैसे हम एकेडमी से पास आउट हुए थे पीओपी वगैरह होके uh, वी जैसे आप लोग यू गो फॉर योर वायो कोर्स वी गो फॉर आर सब कोर्सेज इट इज कॉल्ड सब कोर्सेज सेम एज वायो तीन तीन वीक जाते हैं एक एक यूनिट में दो तीन वायो हो गए दो तीन सबकोस हो गए देन सडनली ये हुआ कि जो आपकी शिप की ट्रेनिंग होने वाली थी पहले आगे यू हैव टू गो नाउ कोई रीजन नहीं

ऑपरेशन जो कारगिल वॉर हम बोलते हैं दैट इज प्रिडमिनेंटली इट्स अ ट्राई सर्विसेज वॉर बहुत लोग को नहीं पता है एवरी वन से कारगिल इवन द कारगिल बिकॉज मेनली दिंग्स हैपन्ड दैर वहाँ पर हुआ अदरवाइज इट इज़ अ ट्राई सर्विसेज वॉर जिसको आर्मी नेम वॉज ऑपरेशन विजय बट नेवी फॉर इट एज ऑपरेशन तलवार एंड एयरफोर्स एज ऑपरेशन सफेद सागर सर oh. तो एयरफोर्स एंड आर्मी सब जगह दिखती है सर नेवी इज ऑलवेज अट फोर्स जब हिस्ट्री लो सिक्स वी वेर एवरी वेयर नेवी वॉज एवरी वेर एंड देन ऑफकोर्स नाइनटी नाइन सो वी वी वेर दी साइलेंट साइलेंट बोलते हैं ना फोर्स सर तो जब मैं शिप में लैंड हुआ silent, you, you burned Karachi <laughs> और, और कितना साइलेंट <laughs> होना है और क्या होना है वो 71 का तो अलग ही किस्सा है सर हाँ तो वैन आई ज्वाइन दिस शिप एंड मेरे लिए फर्स्ट टाइम था सर फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे आई एम गोइंग ऑन अ शिप ट्रेनिंग में भी हमें सिर्फ बाहर से दिखाते थे अकेडमी से लेकर क्या चाहिए जहाज जहाँ करके जब मैं वहाँ जॉइन किया तो माहौल एकदम अलग था सर मिज़ाइल्स यू नो इन दी आई वॉज इन अ मिज़ाइल कॉर्वेट तो मिज़ाइल्स लगी है विद अ वॉर हेड एंड पीपल आर बिजी नॉर्मल लोग नहीं लग रहे थे एकदम टेंस है एवरी वन इज रनिंग अराउंड एंड मुझे भी जब मैंने बोला कि मैं रिपोर्ट करने आया बोला ठीक है ठीक है ठीक है यू नो ये है एंड एम मेट दी मेरा जो सीनियर था उसको तो बोलते ओके 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 विच डज हैपन लाइक दैट क्योंकि द मोमेंट एक वो जूनियर आता है तो सब खुश हो जाता है अरे बकरा आ गया टाइप यहां किसी के पास टाइम नहीं बोलते वो समन विल शो यू तो मेरा तो ये हाल था सर बंक नहीं था सोने के लिए बिकॉज शिप में ऑलरेडी शिप्स कंपनी थी काफ़ी कुछ हम ट्रेनिंग ऑफिसर करके जा रहे थे बट प्रोबेबली नेवी थाट दैट इनको भी एक एक्सपीरियंस दिया जाए करके और मैं सर एक मिजाइल रूम में सोता था नीचे एक पी एल सी पी बोल के कंपार्टमेंट होता वहाँ पर एंड नेक्स्ट डे हम लोग वी वर सपोज टू मीट ट्रेडिशन होता है सर नेवी का कि आप जब शिप ज्वाइन करते हो तो कैप्टन के साथ ब्रेकफास्ट होता है दैट इज़ अ ट्रेडिशन एनी वन हु जॉइन एंड माई कैप्टन वॉज टाइगर मलान जिसको बोलते थे रवि मलान सर नाउ ही इज़ नो मोर सर कैंसर से ही पासड अवे फ्यू ईयर्स बैक ही वॉज फेरोशियस टाइगर बोलते थे सब मैं जब ऊपर बोला ब्रेकफास्ट को बोलते आज ऑल द बेस्ट टाइप्स सो वैन आई वेंट टू हिम ही आज मी फ्यू क्वेश्चन देन पूछा कि इंग्लिश में पूछा सन डू यू नो किधर जा रहे हैं करके आई वॉज नहीं सर मैं तो ट्रेनिंग को आया हूँ आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग तो बोलते नहीं वी आर गोइंग फॉर द वेरी फेमस कारगिल वॉर इफ यू नो

वाइज़ैक से जो भी थे सब यहाँ आ गए सदन से जो थे यहाँ आ गए तो वेस्ट पे देवे थर्टी थ्री शिप्स एंड देन वेन ही सेड दैट कि इट्स अ वॉर यू आर गोइंग सो पहला इमोशन जो होता है ना सर मूवी में सब दिखाते हैं कि मारेंगे काटेंगे वैसे कुछ नहीं होता था सर लगती है पहले पहले इट वॉज फ़ियर सर कि साल बाईस साल एंड अभी तो मेरी फैमिली ऊपर आ रही है ऑल दो यू नो पर्सनल इमोशन एंड देर इज़ अ गर्ल फ्रेंड और आप बोल रहे हो वॉर में जाओ करके यू नो यू नेवर नो व्हाट हैपेंस ऑल दो थिंग्स बट धीरे 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 सिंक होता है कि ना आपने तो यूनिफॉर्म इसी दिन के लिए पहना था करके एंड यू आर सो लकी व्हाई डिड यू जॉइन द इंडियन नेवी व्हाई डिड यू जॉइन द इंडियन नेवी यू आर सो लकी यू आर अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर यू आर कमिंग अ टेक्निकल ऑफिसर और आपको मौका मिला है यू नो आफ्टर नाइनटीन एंड वेन वी वेंट सर पूरा माहौल देख कर उसके बाद यूफोरिया हो गया सर कि अब देखेंगे क्या करें एज यंग ऑफिसर एंड यू कुड सी द डिफरेंस पूरे जहाज में आपने देखा कि यू नो एवरी वन वॉज डेडिकेटेड टुअर्ड दैट कॉज बट किसको मालूम नहीं था हम करने वाले क्या है करके बिकॉज आर्मी ही वॉज फाइटिंग कैप्टन बत्राज विक्रम बत्रा सर हैड फॉलन इन लाइन जब वो रिले हुआ था जब शिप में मैसेज आता है टेलीफैक्स एंड ऑल दो थिंग दैट टाइम वी नो कि ओके कैप्टन बत्राजिने बोला था दिल मांगे मोर ही हैज नो मार्ट टूडे सो दैट वॉज द इमोशन रनिंग एंड देन वी वेर क्लोज टू ओखा सर इफ इन ओखा दैट इज़ दी क्लोजेस्ट टू कराची एंड हमें ऐसे था कि ठोक देंगे सर करके नाइनटीन सेवेंटी वन वॉज टू रिपीट वी ऑल वे प्रटी एक्साइटेड कि ऐसे होता था कि हम तो जूनियम से तो पूछते थे कब मारेंगे टाइप्स ना ऐसे जाकर ना सीनियर को कब ठोकना है बट इट वॉज एन एक्सपीरियंस सर थर्टी थर्टी फाइव डेज वी वे देर इन एंड आउट इन एंड आउट एंड मेरा एक फेमस इन वन पॉडकास्ट एड सेट कि कराची तो इतने पास था फ्लाइंग किस मारता तो सला उड़ जाता करके सो दैट ऑज समन समन हेट कॉट दैट इन वन ऑफ दॉडकास्ट एंड एट बिकेम सो इट वॉज इट वॉज दैट क्लोज बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दैट डिन इन हैपन दाई दैट टाइम आई थिंक पाकिस्तान हैलरेडी रियलाइज नेवी ने सर उनका पूरा रूट कट ऑफ किया सी वी अनाउंस टू दी वर्ल्ड हम चुप नहीं बैठे थे कि हम यहाँ छुप के बैठे हैं वी अनाउंस टू दर्ल्ड दैट देर आर थर्टी थ्री शिप्स ऑन योर माउथ कुछ भी हो के हम ठोक देंगे करके दैट वॉज दिथ एडमिरल

Ah. फिर कॉक्स बाजार एंड ना बिल्कुल बिल्कुल नेवी ने तो नेवी कारपेटेड एवरीथिंग कारपेट एंड द बेस्ट पार्ट व्हिच नोबडी नोस बहुत लोगों को नहीं पता है, सर देयर वाज समथिंग कॉल्ड ऑपरेशन एक्स व्हिच नेवी डिड व्हिच वाज द मरीन कमांडोज द सिलेक्टेड मरीन कमांडोज ये लोग जाके बांग्लादेशी यंगस्टर्स कुछ 19 20 साल के कुछ uh, क्लोज टू हंड्रेड टू टू हंड्रेडस्टर्स थ्री एयर फॉर वॉरफेयर फॉर द मरीन कमांडो ऑपरेशन एंड दिस वे दीपल हु बॉम्ब द एंटायर ईस्ट कोस्ट के जो जो भी शिप्स थे पाकिस्तान के दे हैड लॉस सम हंड्रेड टू टू हंड्रेड शिप्स छोटे बड़े छोटे बड़े एंड देट वॉज डन बाय द मरीन कमांडो दैट वॉज अ पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन ये बहुत कम लोग को मालूम है सर उसमें चिमन सिंह जो है ही वॉज महावीर चक्र फोर दैट सो सो हर तरह से नेवी वॉज देयर एयरक्राफ्ट करियर मरीन कमांडो बेस्ट नोन फॉर कराची ना बेस्ट नोन फॉर दैट इज समिंग सर एग्जैक्टली सो पीपल से लोगों को एक मिथ है कि थ, थर्ड और फोर्थ को फोर्थ को जब हमने कराची जलाया था

फिल्म भी बन गई बात वॉज दस ऑफ नेवी सर ऑल थ्री डायमेंशन फोर्स वॉज अग थिंग नाइनटी नाइन इसड है सेम से पॉलिटिकलिंगलीप्स एंड हमने यहाँ तक लेटर देर आर कपल ऑफ बुक्स ऑल्सो एंड देर इज स्टेटमेंट बाई दी पाकिस्तानी नेवी चीफ एंड कि हमारे कंट्री में सिर्फ छः दिन का फ्यूल और ये बचा था करके एंड दैट प्रोबेबली वॉज वन ऑफ दो रीजन द मेनी रीजन दे पुल डाउन बिकॉज आगे क्या करते हैं सर ऐसी हालत हो जाती है उनकी सो जब उनके पास सेवेंटी वन में उनकी आर्मी के पास पाकिस्तान आर्मी के पास एक महीने का <laughs> <surrendered>. पाकिस्तानी मेजर अबाउट कारगिल वॉर वो यही बोल रहा था कि सर एक तरफ इंडियन आर्मी और उनके जो बंदे हैं सोल्जर्स एंड ऑफिसर उनका मोराल उनका एवरी so थिंग एक तरफ हमारे लोग जो वी वेर वेर विलिंग बट ना support, ना गवर्नमेंट का सपोर्ट दे नॉट इवन रेडी टू क्लेम क्लेम कि तुम फौजी हो करके डेड बॉडीज़ नहीं, exactly. नहीं तो so, uh, so saying, आ, 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 आर्च, सो दैट वाज अ और अनुज और आचार्य सर और फेरोशियस आरची सर सीनियर

और बाकी तो सर आज भी फौजी हैं सर वैसी मतलब वैसी तो, वही जज्बा वही है वही गाली गलोच सब कुछ कभी चलता मन में है। वो भाई वाली फीलिंग आती है अभी भी सर वो तो भाई <laughs> तो हमेशा है सर बीवी के सामने नहीं चलता बाकी सब <laughs> के सामने के साम साम ठोक देंगे सबको <laughs> <laughs> चलो थैंक यू सो मच कमांडर विजय नायर फॉर स्पीकिंग टू अस एन ऑनर एंड लेडीज एंड जेंटलमैन आपने देखा ना क्या लेफ्टिनेंट कमांडर साहब ने स्टोरी बताई से मुंबई के एक चाल से एक स्लम से आए छोटा सा एक जगह जहां पे सब लोग रहते थे अपने भाइयों के साथ और किस तरीके से इंडियन नेवी में और किस तरीके से ऑपरेशन तलवार की इन्होंने स्टोरी सुनाई ये एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मैं फिर अगले हफ्ते आऊंगा एक और हीरो के साथ एक और अचीवर के साथ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा टिल देन टेक केयर जय हिंद